अस्सलाम वालेकुम, किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूंग की दाल पालक बनाने जा रहे हैं, जो मैंने वॉश करके रखा है पालक को। मूंग की दाल 1 कप लिए मैं। हम इसमें 1 कप से कम थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। बाद में ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। दाल हमारी ठंडी होती जब तक हम इसके प्याज फ्राई कर लेते हैं। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। एक प्याज की डली लिए, हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च, 1 टमाटर लिया, 2 हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। एक चम्मच हम रेड चिली पाउडर डालें, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालें, नमक थोड़ा सा और ले लिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करेंगे। जब तक हम हमारी दाल चेक करते हैं, दाल हमारी हो चुकी है। अब हम इसे दाल घोटने से थोड़ी सी इसको घोट लेंगे। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। इसको 2 मिनट और पका लेते हैं और इसके अंदर दाल डाल दें। हमारी मूंग की दाल पालक रेडी है, तैयार है। और इसे 5 मिनट के लिए और कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो गए, हम इसका कवर हटा। देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी मूंग की दाल पालक तैयार है। देखिए कितना क्विक और इजी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी मूंग की दाल पालक तैयार है।
आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी बताएं हमें कमेंट्स बॉक्स में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।